आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आज के हालातों के हिसाब से आम आदमी के जीवन पर ये मुहावरा काफी सटीक बैठता है, खासकर तब जब महंगाई 17 महीने के अपने सबसे ऊंचे लेवल को पार कर गई हो। जी हाँ, आम आदमी को मार्च में महंगाई के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। खाने पीने का सामान महंगा होने से महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 6.9 पर पहुंच गई है। खाने पीने के सामानों की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी लिमिट को पार कर रही है। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.01% दर्ज की गई थी। एक साल पहले मार्च 2021 में रिटेल महंगाई दर 5.52% थी। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद महंगाई के अनुमान को बढ़ाते हुए पहली तिमाही में 6.3%, दूसरी में 5%, तीसरी में 5.4% और चौथी में 5.1% कर दिया था। महंगाई दर समझने के लिए हमें सबसे पहले CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा। दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएं महंगाई को मापने के लिए WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को अपना आधार मानती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश में WPI के साथ ही CPI को भी महंगाई चेक करने का स्केल माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक और क्रेडिट से जुड़ी नीतियां तय करने के लिए थोक मूल्यों को नहीं बल्कि खुदरा महंगाई दर को मेन स्टैंडर्ड मानता है। अर्थव्यवस्था के स्वभाव में WPI और CPI एक दूसरे पर असर डालते हैं। इस तरह WPI बढ़ेगा तो CPI भी बढ़ेगा। अब ये समझ लेते हैं कि ये रिटेल महंगाई की दर कैसे तय होती है। रिटेल महंगाई मापने के लिए कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई दूसरी चीज़ें होती हैं जिसकी रिटेल महंगाई की दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 299 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई के रेट तय होते हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े ही हैं, मगर इसके साथ हर उस सामान के दाम भी आसमान छू रहे हैं जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जियों के दाम ही ले लीजिए, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से इनके दाम भी बढ़ गए हैं। ऐसे में महंगाई को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, अगर आपके पास इसके लिए कोई आइडिया है तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें खबर बेबाक के साथ।